आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। Music. वेलकम बैक गाइज माई अनदर वीडियो। तो कैसा लगा आज का प्रीव्यू हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया। तो गाइज अगर आप भी अपने फोटो से लाकर फुल स्क्रीन HD स्टेटस कुछ ऐसा ही इसी सॉन्ग पे बनाना चाहते हैं तो वीडियो के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइज आज के भी प्रीसेट लिंक में आपको पासवर्ड लॉक देखने को मिल जाएगा, जिसका पासवर्ड मैं वीडियो के बीच में ही बता दूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए। तो गाइज आपको इसके लिए क्या करना होगा कि एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है एलाइट मोशन। आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे पिन की मिल जाएगा, आपको वहाँ से जाके इजीली इंस्टॉल कर देना होगा, और आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये सारे फोटोज HD क्वालिटी में चाहिए तो आपको क्या करना है कि मेरे टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ पे ज्वाइन कर देना है। मैं सारे फोटोज़ को वहाँ पे HD क्वालिटी में अपलोड कर दूंगा। तो गाइस इसके लिए आपको एक लिरिक्स का भी मतलब इसमें वीडियो क्लिप है उसको भी ऐड करना होगा, जिसको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जाके वहाँ से आप इजीली इंस्टॉल कर दीजिएगा। देन आपको सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट और एक सेक इफेक्ट की फाइल मिल जाएगी मेरे मतलब डिस्क्रिप्शन में, आपको अपने लाइट मशीन में से इंपोर्ट कर लेना है। देन इंपोर्ट करने के बाद चलिए मैं वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के साथ। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए बार विजिट करें तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज तो आपको अपना बिटमार्क प्रोजेक्ट एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर देने के बाद आपको इस तरह से कुछ देखने को मिल जाएगा, जो हाँ आपको देखिए नीचे आपको एक वीडियो क्लिप देखने को मिलेगा जिसे मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। देन आपको इफेक्ट नंबर देखने को मिल जाएंगे, तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है। देन यहाँ से आपका जो वीडियो क्लिप है, इस वीडियो क्लिप को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो प्लस के आइकन पर क्लिक करके मीडिया में चल जाएगा, और जहाँ भी आपका वीडियो क्लिप होगा उस वीडियो क्लिप को यहाँ से आपको ऐड कर देना है। तो वीडियो क्लिप आपको ऑलरेडी फुल स्क्रीन में होगा, ठीक है, तो आपको फुल स्क्रीन मतलब वीडियो क्लिप है, और आपका इस मतलब नेक्स्ट बीट तक आपको वीडियो क्लिप होगा, और इसका एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो यहाँ से आपको इरेज कर देना है। ठीक है, देन आपको क्या करना है कि उसके आगे जो मतलब जहाँ तक वीडियो क्लिप है उसके आगे फोटो स्कैट करना है। तो मीडिया में चले जाएगा, मीडिया में जाने के बाद आपको जिस भी फाइल में फोटो होगा तो उस फाइल को मतलब सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो अगर आपको ये जो मैं फोटोज़ यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, अगर ये सारे फोटोज़ आपको HD क्वालिटी में चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, देन वहाँ पे मैं आपको सारे फोटोज़ HD क्वालिटी में दे दूँगा। ठीक है, तो मैं चलिए फोटो को यहाँ पे फटाफट ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है कि मीडिया में जाकर फोटोज़ को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है, तो हमारा वो फोटो जो है फुल स्क्रीन हो जाएगा। देन इसे एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से करके ट्रिम कर देना है। चलिए मैं सारे फोटोज़ को फटाफट ऐड कर देता हूँ, तब तक लिए वीडियो को स्किप कर देता हूँ। ओके गाइस तो आप देख सकते हैं मैंने जिस तरह से वीडियो को ऐड किया, आपको भी उसी तरह से ऐड करना है। और देन आपको क्या करना है कि इस लिरिक्स पे आ जाना है, आपको जो ये लिरिक्स मिलेगा इस पे जाके आपको ये वॉल्यूम वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसका वॉल्यूम को पूरी मतलब लो कर देना है, ताकि इसका वॉल्यूम हमारे मतलब ना आए। ठीक है, तो आपको इसी तरह से कर देना है। देन फोटोज़ को सभी ऐड कर दें, ऐड करके आपको क्या करना है सिंपली यहाँ से हो जाना है बैक। देन अपना सेक इफेक्ट फाइल को ओपन कीजिएगा, और हमारे जो ये फर्स्ट इफेक्ट है इसे यहाँ पे इफेक्ट पे टैप कीजिएगा फोटो पे। देन इफेक्ट में जाने के बाद हमें 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है। देन कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से हो जाना है बैक, और बैक होने के बाद क्या करना है कि अपना बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद जो हमारा बिटमार्क जहाँ से है नीचे आ जाए, स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। देन आपको आपको यहाँ पे जहाँ भी इफेक्ट देखने को मिलेगा फर्स्ट इफेक्ट वहाँ पे आपको फोटो पे क्लिक करना है। देन इफेक्ट में यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके इसे पेस्ट कर देना है। आपको जहाँ जहाँ फर्स्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा वहाँ वहाँ पे आपको ये सारे इफेक्ट मतलब पहले इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह मैं सारे इफेक्ट को पेस्ट करते जाता हूँ। और देन आपको क्या करना है कि आपका जहाँ सेकंड इफेक्ट है तो आपको इसी तरह सेकंड इफेक्ट को भी कॉपी कर देना है। देन कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि सेकंड नंबर जहाँ इफेक्ट जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो आपको सेकंड नंबर इफेक्ट को भी वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो चलिए मैं बताता हूँ उसको भी कैसे कॉपी करते हैं। तो देन अपने सेकंड इफेक्ट फाइल को ओपन कीजिएगा, और आपको यहाँ सेकंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद इफेक्ट में जाकर आपको 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कॉपी कर देना है।
कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि अपना बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा और जहाँ आपको सेकंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे सेकंड इफेक्ट पे इस तरह से टैप करना है, देन इफेक्ट में जाकर थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो हमारा वीडियो इसी तरह से मतलब आपको सारे इफेक्ट को ऐड करके यहाँ पे तीर का आइकन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो को एक्सप्लोर कर लीजिएगा तो आपको वीडियो 2 या 3 मिनट में एक्सप्लोर जाएगा। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नई बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर देगा। आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।